थैंक यू सो मच गाइस. मैं इस लाइक नहीं कि स्टेज पे खड़ सका, बट थैंक यू अभिषेक सर, हनी सर, जिन्होंने मेरे को पहला फ़ोन किया इस फिल्म के लिए. और फैंटम फिल्म करीना मैम, उन्होंने नाल खड़ के फोटो करवानी मेरे लिए वड्डी गल है. दिलजीत दोसांझ एक ऐसे बॉलीवुड स्टार है जो इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी अपने रूट से जुड़े हैं. हिज ट्रेडिशनल पगड़ी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पंजाबी स्टाइल, ब्लिसफुल वॉइस स्टैम्प्ड हिम ऑन बॉलीवुड एंड बॉलीवुड. दिलजीत दोसांझ रियल लाइफ में उतने ही सिंपल और हम्बल है. एक सुपर स्टारडम का क्रेडिट वो अपने रूट्स, कल्चर और अपब्रिंगिंग को देते हैं. दिलजीत बिल्कुल ही टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं. दिलजीत के लाइफ की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही है उड़ता पंजाब. इस किरदार के लिए उन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन तब भी इस पर उनका मानना था कि उड़ता पंजाब वॉज मोर देन ही डिजर्व्ड. इससे पता चलता है कि दिलजीत के सादगी का एक अलग ही स्वैग है. दिलजीत एक चैरिटी भी चलाते हैं जिसका नाम है सांझ फाउंडेशन, जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करता है. दिलजीत के हिलेरियस बट ऑनेस्ट रिप्लाइज ने सभी का दिल जीत लिया है. रीसेंट वीडियो में भी उसके बिहेवियर से ये पता चलता है कि वो बड़े स्टार्स की कितनी इज्जत करते हैं. डालिए एक नजर. दिलजीत का अपने स्टारडम को लेके एक अलग ही व्यू है, जिसे सुनकर आप भी मानोगे कि ये होता है एक सक्सेसफुल हम्बल स्टार. दिलजीत का कहना है, इफ यू रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे वेयर यू आर फ्रॉम, हु यू रियली आर, what will happen in the future and where you exactly stand, then you will be sane. So many people have experienced stardom before. You are not the first nor the last. When stardom gets on your head, you don't even realize people can see it, but you can't. That's the tricky part. Itna hi nahi, apni recent film ke promotion ke dauran bhi Diljit ne sabhi audience ko apne simple answer se impress kiya. Aakhir wo kya tha? Aaiye dekhte hain. Mujhe laga sirf aise sunane ke liye bulaya hai mujhe. Shayad lenge nahi film mein. तो मैं सुनने के लिए चला गया था, क्योंकि एक बार मैं पहले सुनने आया था एक फिल्म, तो वो उसमें मैं नहीं था. बट अगर आप ये अच्छी अगर वो फिल्म वो फिल्म करते तो शायद ये खुशी खुशी ये नहीं कह पाते. वो फिल्म अगर आप करते तो कुछ वहाँ बताएंगे नहीं कौन सी फिल्म थी वो, लेकिन हाँ. Thank you, सर. Well, दिलजीत के इस हम्बल बिहेवियर की करीना कपूर भी फैन है. करीना का आखिर क्या कहना है दिलजीत को लेकर, आइए जानते हैं. और ये भी जानते हैं कि उड़ता पंजाब जैसी बड़ी फिल्म मिलने पर, करीना के साथ काम करने पर दिलजीत का क्या कहना है. I'm really, really actually humbled that Diljit has sung this song, which is with my name in it. I've never really had a song. आई डेफिनेटली नो के दो पिक्चरें की है दिलजीत के साथ, ज्यादा बात नहीं करता है वो. बट दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, दैट ही डजंट रियली रियली टॉक एट ऑल टू मच, बट ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स एंड हिज एक्चुअली हिज लव टू मी थ्रू दिस सॉन्ग. सो आई जस्ट वॉन्ट से के ही इज अ फैन ऑफ माइंड, बट आफ्टर डूइंग टू फिल्म विद दिलजीत, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. And you have really, really done well in my next film with you. So, and hopefully third film together. और उसमें ज्यादा बात करेंगे इस बार. That you have to promise me that. So, thank you for this honor and I wish you all the best for the song. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. Thank you so much, guys. मैं इस लाइक नहीं कि स्टेज पे खड़ सका, but thank you अभिषेक सर, हनी सर, जिन्होंने मेरे को पहला फोन किया इस फिल्म के लिए. और फैंटम फिल्म्स करीना मैम, उन्होंने नाल खड़ के फोटो करवानी मेरे लिए वड्डी गल है. उन्होंने नाल स्टेज पे खड़ना मेरे लिए बहुत वड्डी गल है. सो एक फिल्म जो मैं ऑफर हुई, जो मैं सर ने सुनाई, तो मैं लगा कि इस तो वधिया मेरी एंट्री नहीं हो सकती इस फील्ड के. और बहुत सारे लोग मैं कहते कि जो तुम बॉलीवुड शायद तू नहीं जा सकेगा क्योंकि तू टर्बन बांधा तो रोल ज़्यादा होंगे नहीं टर्बन वाले ने. बट मैं शौक सी कि जदों मैं पहले दिन गया था, सर ने मैंने कहा कि तेरी लुक दी सानू एक्सपेरिमेंट करना नहीं पैना, सानू सरदार मुंडा ही चाहिए सी. सो मेरे पग करके ही मैंने फिल्म मिली है. ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है जहाँ दिलजीत ने दिल जीत लिया है अपने हम्बल बिहेवियर से. दिलजीत के इस दरिया दिली पर आपका क्या कहना है, आपके व्यूज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब.